करीम साहब थोड़ा सा वक्त मिल सकता है आपका? आपके हुक्म पर तो करीम की जान भी हाजिर है। चलिए। ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं एपेक? मुझे नहीं पता, लोकेशन तो यही आ रही है। मेरे ख्याल से जो जगह उसने बताई थी हम वहीं पर हैं। ये क्या मुसीबत है, अब क्या होगा? तसव्वुर करो हमारे साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, मतलब ये कि हमारी गाड़ी खराब हो जाए और हमें रात भर यहीं पर रुकना पड़े, तो हम क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही हो? हाँ मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है हयात, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। एपेक, काश ये गेम होता। गेम्स में शहजादे शहजादियों को बचाते हैं, वैसे ही हमें भी कोई बचा लेता। गेम? क्या कह रही हो? हाँ चुप नहीं हो सकती क्या? मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने उसे। अच्छा तो आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है? मेरे ख्याल में मैं गलतियां बहुत कम करता हूँ, दूसरे लोग तो हर वक्त यही करते हैं। वाह क्या खुददार लड़की है, अपनी खुददारी पर समझौता नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। करीम, ऐसा कुछ नहीं कहा है मैंने उससे जिसकी वजह से वो नौकरी छोड़ दे, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब मैं समझा कि आप इतना क्यों सोच रहे थे उसके लिए, वैसे उसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? मैं ये सब कुछ हयात की वजह से नहीं कह रहा हूँ, कोई और लड़की होती तब भी मैं यही कहता। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। फिर सोचकर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जाइए और जाकर उससे माफी मांग लीजिए। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, तुम जानते हो करीम। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता।